In the previous video, we have discussed about some chemical properties of amines, carbyl amine reaction and the reaction of primary, secondary, tertiary amine with nitrous acid, etc. and a lot of other reactions. But now, on the continuation of that one, now I am discussing the formation of SIP base. So, when aldehydes react with amines, primary amines, then the reaction of this aldehyde and primary amine, they gives a SIF base. So from here H2 means oxygen from here and 2 hydrogen from here, they react and they eliminate a water molecule here, and what will be formed? RC double bond NR dash. So RCH double bond NR dash, this is SIF base. So hua kuch nahi hai, yahan se 2H aur yahan se ऑक्सीजन, तो जिन जिन एटम्स से निकले उनके बीच में देयर इज़ अ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दीज टू एटम्स, मीन्स बिटवीन कार्बन एज वेल एज बिटवीन नाइट्रोजन. ठीक, तो क्या हो गया? आर सी डबल बॉन्ड एन आर डेस. सो सिर्फ बेसिस आर फॉर्म. नेक्स्ट, रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड. ऑन वार्मिंग कार्बन डाइसल्फाइड एंड प्राइमरी एमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एच जी सी एल टू एल्किल थायोआइसोसाइनेट्स. ठीक है, क्या बनते हैं आपके? आइसोथायोसाइनेट्स. ठीक है, दिस इज नोन एज एल्किल आइसोथायोसाइनेट. ठीक है, इज फॉर्म्ड एंड विच हैज़ अ स्मेल ऑफ मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड ऑयल. ठीक है, मस्टर्ड गैस की स्मेल कैसी होती है? मस्टर्ड ऑयल की तरह. तो डायरेक्टली यू कैन अंडरस्टैंड दैट द स्मेल ऑफ दिस कंपाउंड इज लाइक मस्टर्ड ऑयल. द रिएक्शन ऑफ आर एन एस टू, होना कुछ नहीं है इसमें भी. देखो क्या है आपका, कार्बन से क्या निकल जाएगा? एच टू एस. दिख रहा, ये एच टू एस निकल गया एंड बना क्या? आर एन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ गया. तो क्या हो गया? आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस. तो दिस इज नोन एज एल्किल आइसोथायोसाइनेट्स एंड दिस इज अ कंपाउंड विच हैज़ अ स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एसिडिक नेचर. एज वी नो दैट द बेस एमीन्स आर बेसिक इन नेचर. ठीक, बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स ऑल्सो एग्जिबिट सम एसिडिक प्रॉपर्टी वेन दे आर ट्रीटेड विद एल्कली मेटल लाइक सोडियम मेटल और ग्रिगनार्ड रिएजेंट. ठीक है, बेसिकली एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, बट इन सम केसेस वी हैव सीन दैट द प्राइमरी एमीन एज वेल एज द सेकेंडरी एमीन दे ऑल्सो एग्जिबिट सम एसिडिक प्रॉपर्टी. ठीक है, सो एसिडिक प्रॉपर्टी इट मीन्स वेन दे रिएक्ट विथ मेटल द मेटल कम्स हेयर एंड वन हाफ हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्वड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर एन एस टू प्लस टू एन ए इज इक्वल टू, सो हेयर टू टू क्या हो गया आपका? एक एच यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ चला गया. ठीक है, क्या बन गया फिर आपका? टू आर एन एच एन ए प्लस एच टू. लाइकवाइज दिस इज सेकेंडरी आई मीन आर टू एन एच वेन दिस रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या हो रहा है आपका? एच फ्रॉम हेयर, ठीक, वो कहाँ चला जा रहा है? आर के साथ और एम जी एक्स इधर आ जा रहा है. तो क्या बन गया आपका? आर टू एन एम जी एक्स प्लस आर डेस एच. ठीक है, सो दीज टू रिएक्शन शोज दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी आई मीन इन सम केसेज दे ऑल्सो एक्ट एज अ या इट ऑल्सो शोज एसिडिक करेक्टर. ठीक, नेक्स्ट वन इज रिंग सब्सटीट्यूशन इज एरोमेटिक. नाउ आई एम डिस्कसिंग एरोमेटिक रिंग कंपाउंड्स लाइक एनिलीन. ठीक है, सो ऑन बिकॉज वी नो दैट एन एस टू ग्रुप इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप, इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एट पोजिशन ऑर्थो एंड पैरा. ठीक, तो जो गैस का क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करते हैं, तो हमें क्या बनता है आपका? ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आर फॉर्म. ठीक, बट क्या होता है, देखो जो ये एन एस टू ग्रुप है दिस इज़ हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो जिसकी वजह से क्या होता है आपका, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है इसका क्या, ब्रोमिनेशन. वेन दिस एनिलीन कंपाउंड रिएक्ट विथ थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन और विथ ब्रोमीन मॉलिक्यूल देन 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन इज फॉर्म. ठीक है, इंस्टीड ऑफ मोनोब्रोमिनेशन इट गिव्स ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बिकॉज एन एस टू ग्रुप इज कैसा होता है आपका? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन
एंड व्हेन दिस रिएक्ट विद ब्रोमीन द ब्रोमीन ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इट अटैक्स एट पोजिशन नंबर 2, 4 and 6 एंड ट्राई ब्रोमो एनिलीन इज फॉर्म. ठीक है, फॉर द मोनोब्रोमिनेशन कैसे किया जाता है अब इसका ये भी मालूम होना चाहिए. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा यदि केमिस्ट्री आगे को करनी तो ये आना चाहिए कि कैसे हम एनिलीन का मोनोब्रोमिनेशन करते हैं. ठीक है, दिस इज क्या हो रहा है आपका ट्राई ब्रोमिनेशन. क्यों हो रहा है? ड्यू टू द हाई एक्टिवेशन ऑफ दिस बेंजीन रिंग्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो अब मोनोब्रोमिनेशन के लिए क्या किया, देखो दिस इज एनिलीन ऑन एसिटाइलेशन. एसिटाइलेशन मीन्स द रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड. ऑन एसिटाइलेशन ऑफ दिस एनिलीन क्या होता है आपका, द एसिटाइलेशन टेक्स प्लेस एट दिस पॉइंट मीन्स एनएच2 ग्रुप एंड वट इज फॉर्मिंग हेयर एसिड एनालाइड NHCOCH3. दिस इज नोन एज एसिड एनालाइड. अब एसिड एनालाइड होने से क्या होता है, देखो फर्स्ट थिंग ये है कि जो NH2 ग्रुप है ये प्रोटेक्ट हो जाता है एंड सेकेंड वन इज जो ये जिसको ये है आपका NHCOCH3 ग्रुप है ये कैसा आपका लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप है. मतलब यदि ये ग्रुप आ जाता है तो बेंजीन रिंग का जो एक्टिवेशन NH2 से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था वो NHCOCH3 से कम एक्टिव होता है. ठीक है, तो यदि कम एक्टिव है नाउ ऑन ब्रोमिनेशन इट गिव्स मेन पैरा. यहाँ क्या होता है क्राउडिंग होने की वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बनाता. इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है कौन बनता है फिर आपका पैरा ब्रोमो एसिड एनालाइड इज फॉर्म. ठीक है, क्या बनता है आपका पैरा ब्रोमो एसिड एनालाइड एंड फाइनली वी रिमूव दिस प्रोटेक्शन बाई यूजिंग वाटर. सो दिस इज ऑल्सो कन्वर्ट इन टू एन एच टू एंड ब्रोमीन. सो फाइनली वी गॉट मोनोब्रोमो एनिलीन कंपाउंड. ठीक है, तो ये कभी पूछा भी जाता है कि जो एनिलीन का ब्रोमिनेशन किया जाएगा तो क्या होगा. ठीक, तो क्या होना चाहिए, ऑन ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन इट गिव्स 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. क्यों, बिकॉज क्या हो रहा है आपका एन एस टू ग्रुप इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप. इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टू अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ऑन ब्रोमिनेशन इट गिव्स फाइनली नॉट अ सिंगल मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट, इट गिव्स ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. ठीक, और क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो यही साइट्स हैं जहाँ पर को क्या होता है आपका अटैक होता है. फॉर द मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन हमें क्या करना पड़ता है, इसकी जो ऊपर ग्रुप है उसकी एक तो एक्टिविटी को डिक्रीज करना होता है. फॉर दिस वी कन्वर्ट दिस एनएस2 ग्रुप इनटू NHCOCH3. ठीक है, सो दिस इज नोन एज एसिड एनालाइड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एसिड एनालाइड. तो ये जो ग्रुप होता है वो लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू NH2 एंड नाउ फर्दर ऑन ब्रोमिनेशन इट गिव्स मेन पैरा प्रोडक्ट पैरा ब्रोमो एसिड एनालाइड एंड फाइनली वी रिमूव दिस प्रोटेक्शन एंड गिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स पैरा ब्रोमो एनिलीन. ठीक है, लाइकवाइज दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन बिकॉज वी नो दैट द नाइट्रिक एसिड इज अ कैसा होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ठीक है, तो ये क्या कर सकता है आपका ये इस एनिलीन को डिकम्पोज कर सकता है. ठीक है, तो लाइकवाइज जैसे हमने इसमें क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोटेक्ट दिस NH2 ग्रुप बाई डूइंग एसिटाइलेशन ऑफ दिस रिएक्शन. सो दिस इज एनिलीन वेन रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड CH3COCl. HCl is removed one H from here, NCl from here. So क्या बनता है फिर आपका, acid analyte is formed on nitration of this compound acid analyte with nitric acid in the presence of catalytical amount of sulfuric acid. It gives para nitro acid analyte as a main product and on hydrolysis further this group deprotect and finally convert it into NH2. So what is the final product? पैरा नाइट्रो एनिलीन इज द फाइनल प्रोडक्ट इन द केस ऑफ नाइट्रेशन. ठीक है, यदि नाइट्रेशन भी करना है तो वी हैव टू चूज सेम सिमिलर पाथ लाइक वी डिड इन द केस ऑफ ब्रोमिनेशन मोनोब्रोमिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन. इसमें कुछ नहीं करना है, दिस इज एनिलीन व्हेन दिस रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड. तो क्या होता है सल्फोनेशन में, SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है वेयर एट द पैरा पोजिशन. लेकिन क्या होता है, बिकॉज इट्स अ बेस बिकॉज इट हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो ये क्या बना देता है आपका जो इसका एसिड बना देता है एनिलीनियम हाइड्रोजन क्या बनता है आपका सल्फेट बन जाता है. ठीक है, क्या बन जाता है आपका एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. और जब इसको क्या किया जाता है हीटअप किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम हेयर और क्या बन जाता है आपका NH2 और SO3H. ठीक, और जो NH2SO3H है जनरली दिस इज अ ज्वेटराइन बिकॉज इट हैज़ अ हेयर. ये कैसा है NH2, बिकॉज NH2 हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैसा करेक्टर है बेसिक एंड हेयर SO3H तो क्या है ये आपका एसिड.
तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, बेसिक और एसिड दोनों हैं. या वी कैन राइट ऑल्सो एच फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो वी कैन राइट सॉरी एन एस थ्री पॉजिटिव. ठीक, यहाँ से एच पॉजिटिव निकला, यहाँ चला गया, तो एन एस थ्री पॉजिटिव और एस ओ थ्री नेगेटिव. तो वट क्या वट इज़ फॉर्मिंग हेयर, ज्वेटराइन इज़ फॉर्मिंग बिकॉज इट कंटेन ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव ओवर एट एस ओ थ्री एंड पॉजिटिव हेयर एट एन एस थ्री है, अगर एन एस थ्री पॉजिटिव है तो क्या हो जाता है आपका एन एस थ्री पॉजिटिव कर लो इसको. ठीक, तो ये कैसा होता है फिर आपका, ज्वेटराइन होता है. तो समझ में आ गया. तो क्या था आपका एनिलीन के, क्या था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. मेन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में हम पढ़ते हैं दैट इज हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन. तो क्या समझ में आया, ऑन हैलोजिनेशन बिकॉज NH2 ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, इट एक्टिवेट द ऑर्थो एंड पैरासाइट्स ऑफ द रिंग्स. ऑन ब्रोमिनेशन इट गिव्स ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव इंस्टीड ऑफ मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव. फॉर द मोनो ब्रोमिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड we have to first deactivate this group and for this we protect this group by acetylation. We react this aniline with acetyl chloride, it convert it into acid analyte, and finally acid analyte is ortho para directing group. So on bromination it gives mainly jo bromo para bromo acid analyte derivative, and finally we remove this CH3CO group by hydrolysis. तो क्या हो जाएगा आपका, एच इधर आ जाएगा और वो एच इधर CH3COH एंड NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हियर. सो फाइनली पैरा ब्रोमो एनिलीन इज फॉर्म. ठीक है, लाइकवाइज क्या आपका नाइट्रेशन के केस में क्या बताया फिर आपका, नाइट्रेशन में जो नाइट्रेशन है, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है आपका, ये इसको क्या हो सकता है आपका, डिकम्पोज हो सकता है. तो लाइफ हम सिमिलर करते हैं, इसको पहले प्रोटेक्ट कर लेते हैं, फिर नाइट्रेशन कर लेते हैं, फिर रिमूव हटा देते हैं. सल्फोनेशन के केस में SO3H डायरेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, बट क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट ऑल्सो रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट कन्वर्ट इंटू एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फाइड. दिस इज नोन एज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फेट. ठीक है, और इसको जब गर्म करते हैं तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन. वी ऑल्सो रेड सम रिएक्शन इन द केमिकल रिएक्शन पार्ट हियर. फर्स्ट वन इज नाइट्रस एसिड मेथड. तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को. फर्स्ट वन इज नाइट्रस एसिड मेथड. आपने यदि केमिकल रिएक्शन का याद होगा, प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ NaNO2 और HCl. फॉर नाइट्रस एसिड क्या यूज़ किया जाता है आपका, NaNO2 और HCl. क्या बनाएंगे, NaNO2 NaCl और HNO2. HNO2 इज नाइट्रस एसिड. ठीक है, तो डायरेक्टली वी आर नॉट यूजिंग नाइट्रस एसिड, वी हैव टू क्या बोलते हैं जनरेट नाइट्रस एसिड इन रिएक्शन. ठीक है, तो प्राइमरी एमीन RNS2 प्लस NaNO2 प्लस HCl. तो क्या हो गया, ये NaCl अलग हो गया, और क्या बनता था इसके केस में, प्राइमरी एमीन के केस में बनता था डाइजोनियम सॉल्ट. ठीक है, तो वट आर डाइजोनियम सॉल्ट, RN2Cl, दिस इज नोन एज अ डाइजोनियम सॉल्ट. बट वहाँ पर जब तुमने टेक्स्ट पढ़ा था तो हमने सिर्फ एरोमेटिक की बात की थी, हमने एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स की बात नहीं की थी. क्यों नहीं की थी, बिकॉज प्राइमरी एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट ऑन हाइड्रोलिसिस इट कन्वर्टेड इंटू एल्कोहल एंड नाइट्रोजन गैस निकलती है. ठीक है, तो यदि हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास मिक्सचर है और हमें उनको मतलब हमारे पास एक कंपाउंड दिया और हमें बताना ये 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन है, तो हम क्या करेंगे उसमें NaNO2 और HCl डालेंगे. कितने डिग्री पर डालते हैं आपका, 0 डिग्री सेल्सियस पर डालते हैं. तो यदि क्या होगा आपका, नाइट्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ गैस निकलने लगेगी, इफरवेंसेस निकलने लगेंगे, तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए दैट इज प्राइमरी एमीन. ठीक है, यदि एरोमेटिक एमीन होता प्राइमरी तो क्या होता आपका, क्या बनता आपका, डाइजोनियम सॉल्ट. कुछ आपको उसमें क्या बनता आपका, सॉल्ट मतलब कुछ सॉलिड बना हुआ दिखाई देता, तो क्या बनता आपका, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है. ठीक है, तो ARNS2 प्लस NaNO2 प्लस HCl, तो क्या हो गया, ये NaCl अलग हो गया और क्या अलग हो गया यहाँ से, H2O. ठीक है, तो क्या बन जाता आपका, ARN2Cl. ठीक हो गया, ठीक है ना, हाँ, तो ठीक है, ARN2Cl, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट बनता है. ठीक है, इन द केस ऑफ कौन सा एमीन, सेकेंडरी एमीन, ये तुमने पढ़ा था क्या होता है NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करने पर, नाइट्रोसो डेरिवेटिव एंड नाइट्रोसो डेरिवेटिव. इट मींस क्या निकल जाता, कुछ नहीं होना, यहाँ से NaCl अलग हो गया है. ठीक है, और यहाँ से क्या निकल गया, देखो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और O, तो H2O निकल गया, तो क्या बचा, NO. तो क्या बना, देखो RRN सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O. इट मींस क्या बनता है, N नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन. ये कैसे कलर का होता है आपका, येल्लो कलर का ऑयल. इट मींस यदि येल्लो कलर का ऑयल मिलेगा तो कैसा होगा आपका, 2 डिग्री अमीन होगा. कैसा अमीन होगा आपका, 2 डिग्री अमीन. ठीक है, ऐसे देखो
अब टर्शरी अमीन का कैसे पता चलता है, यदि कैसा होता है आपका एरोमेटिक होता है, ठीक। तो क्या होता था, आपने ये पढ़ा था आपका, जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं तो उनके यदि हम एन ए एन ओ टू और एच सी एल के साथ रिएक्शन करते हैं तो पैरा पोजिशन पर एन ओ ग्रुप आ जाता है, ठीक। तो क्या बनेगा आपका, पैरा नाइट्रो जो भी आपका होगा एन एन डाइमेथिल एनिलीन है इसका नाम, ये कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का, कैसे कलर का, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर बनेगा तो इट मीन्स क्या है वो आपका एरोमेटिक एमीन है। और कैसा डिग्री है, 3 डिग्री एमीन है। और ऐसे ही क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कौन सा, एलिफेटिक एमीन जब एन ए एन ओ टू और एच सी एल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है आपका, ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्राइड बनता है, जो क्या होता है आपका, सॉल्युबल हो जाता है, ठीक। तो ऐसे हम क्या करते हैं फिर आपका एन ए एन ओ टू के से क्या करते हैं, इनको डिस्टिंग्विश करते हैं किन किन को, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को। तो क्या था आपका, प्राइमरी एमीन होगा तो क्या होगा, यदि प्राइमरी एमीन एलिफेटिक होगा तो नाइट्रोजन गैस, तो मैं गैस निकल के बुलबुले से निकलते दिखाई देंगे, तो इट मीन्स क्या होगा, प्राइमरी एमीन होगा, ठीक है। यदि प्राइमरी एमीन एरोमेटिक होगा तो क्या बनता है आपका, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, क्या बन जाएगा, यदि सॉल्ट बनेगा तो इट मीन्स क्या होगा आपका, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स होंगे, ठीक है। सेकेंडरी एमीन के केस में क्या था, येलो कलर का ऑयली ऑयल सा बने दिखाई देगा तो इट मीन्स सेकेंडरी एमीन है। और टर्शरी एमीन के केस में क्या था, एरोमेटिक के केस में क्या था, ग्रीन कलर का क्या बनता है आपका, कंपाउंड बनता है। और एलिफेटिक के केस में क्या बनता है आपका, वो एक वाटर सॉल्युबल क्या बन जाता है आपका, अमोनियम नाइट्राइट आयन बनता है, ठीक है। तो ये थे आपके, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। नेक्स्ट वन इज हिंसबर्ग्स मेथड, कैसे करते हैं ये भी तुमने पढ़ा था। इसमें क्या लेंगे, जो भी मिक्सचर होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन का लेंगे, उसमें डाल देंगे पैरा टॉलवीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये भी हम केमिकल रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, पैरा टॉलवीन सल्फोनिल क्लोराइड मतलब SO3 SO2 Cl, नहीं है तो पीछे वाला केमिकल वाला पोर्शन देखो समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो क्या होता है देखो, 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन तो रिएक्शन करते हैं, 3 डिग्री करता नहीं है, ठीक है। इट मीन्स रिएक्शन हो रही है तो इट मीन्स सल्फोन एमाइड है, नहीं हो रही है तो कौन सा डिग्री है, सल्फोन एमाइड बन रहा है तो 1 डिग्री और 2 डिग्री है, नहीं हो रहा है तो कौन सा डिग्री है आपका, 3 डिग्री है, ठीक है। फिर जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसमें NaOH डाल देते हैं, NaOH डालने पर यदि क्या होगा आपका, सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट बनेगा, मतलब सोडियम सॉल्ट बनता है। और यदि वो कैसा होगा, सॉल्युबल होगा तो कैसा होगा आपका, 1 डिग्री, और इनसॉल्युबल होगा तो कैसा होगा आपका, 2 डिग्री। ये रिएक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये रिएक्शंस वही हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है। और जब क्या होगा आपका, यदि एन रिएक्टेड 3 डिग्री एमीन है वो क्या होता है आपका, रिमेन NaOH में फिर भी सॉल्युबल नहीं होगा, बट एसिडिफिकेशन करने पर क्या हो जाता है, वो आपका डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के। एक और वैसे करना चाहो तो कार्बिल एमीन रिएक्शन है, किसका बताती है, कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होती है आपकी, प्राइमरी एमीन के साथ कैसे स्मेल देती है, एक ऐसा चीज़ बनती है, क्या बनते थे, एल्किल आइसोसाइनेट साइनाइड, जिसका क्या होता है आपका, ऑफेंसिव स्मेल होती है, ठीक है। कैसे स्मेल होती है, जिनकी ऑफेंसिव स्मेल आएगी तो इट मीन्स वो प्राइमरी एमीन है, तो वो मतलब क्या नहीं होता, सेकेंडरी टर्शरी में वो नहीं कर सकते हम, ठीक। तो मतलब ये बता सकते हैं कि एमीन प्राइमरी है या नहीं है, कैसे बताते हैं आपका, जो आपका एमीन दिया गया है उसमें क्या डाल देते हैं, क्लोरोफॉर्म और KUS डालेंगे, क्लोरोफॉर्म और KUS डालने पर यदि तुम्हें एक ऐसी स्मेल आएगी, अनप्लीसेंट स्मेल आएगी, ऑफेंसिव स्मेल आएगी, तो इट मीन्स वो आपका एमीन 1 डिग्री, अदरवाइज वो 2 डिग्री और 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है।